जब वफादार जानवरों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कुत्तों का नाम आता है। कुत्ता अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है, मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकता है और कुछ कुत्ते तो जान ले भी सकते हैं। दुनिया में कुत्तों की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो बेहद खूंखार और खतरनाक होते हैं। आज की इस वीडियो में दुनिया के 5 सबसे खतरनाक कुत्तों के बारे में जानेंगे। नंबर 5, डॉबरमैन पिंचर। यह कुत्ते अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं। यह कुत्ते भी पुलिसिया कुत्ते होते हैं, लेकिन आम लोग भी इसे घरों में पालने लगे हैं। अजनबी व्यक्ति को देखने से उन पर वो हमला कर देता है, लेकिन मालिक को देखने से शांत हो जाता है। इसकी कद काठी भी बहुत बड़ी होती है, जिससे यह खतरनाक दिखता है। इसके काटने से 2011 में एक महिला की मौत भी हो गई है। इसके बाद काटने से जुड़ी कोई खबर नहीं आई है। इसका वजन 34 से 35 किलो के बीच होता है। कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंध है। नंबर 4, चाओ चाओ कुत्ते। यह कुत्ते चीन में पाए जाते हैं। यह दिखने में ही भले ही शांत और खूबसूरत हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुत्ते की यह नस्ल बेहद खतरनाक होती है। दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है। इनकी मर्जी के बिना इनके पास कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि वे अपने के मालिक होते हैं। नंबर 3, जर्मन शेफर्ड। कुत्तों की यह नस्ल जर्मनी की है। ज्यादातर लोग जर्मन शेफर्ड को पसंद करते हैं। जर्मन शेफर्ड को सबसे टैलेंट कुत्तों की श्रेणी में आता है। यह पुलिसिया कुत्तों के रूप में अपना पहचान बना चुका है। यह कुत्ता काफी हिंसक होता है। यह लोगों पर 108 किलो के दबाव से हमला करता है। काटने से किसी भी व्यक्ति का बच पाना मुश्किल होता है। इसे कई देशों में पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नंबर 2, रॉटवीलर। रॉटवीलर दुनिया में सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्ल में से एक है। यह दुनिया का सबसे साहसी कुत्ता भी माना जाता है, लेकिन साथ ही बहुत तेजी से काटने में माहिर भी होते हैं। 2014 में अमेरिका में इस कुत्ते के काटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 148 किलो के दबाव से काटते हैं। इनके असाधारण मजबूत जबड़े इनकी बड़ी ताकत है। इसका वजन 35 से 48 किलो के बीच होता है। कई देशों में पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नंबर 1, पिटबुल। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते सबसे खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। इसका वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है। दुनिया भर के कई देशों ने इस कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में आज भी पिटबुल को पाला जाता है। पिटबुल गुस्सा होने पर अपने मालिक की जान भी ले सकता है। इसकी आक्रामकता को रोकने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। 2015 में सिर्फ अमेरिका में ही पिटबुल के हमले से 28 लोगों की मौत हो चुकी है, और यह एक घोड़े को भी मार सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि 2 पिटबुल मिलकर एक चीते की जान भी ले सकते हैं। दोस्तों, आपको कौन सा कुत्ता सबसे अधिक खतरनाक लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।